जबाना जलबे कारण ढाक 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 टूट रहा था लेकिन उस समय भी आमदी का एक समय नहीं मिला जब पलंग चौकी टेबल कुर्सी पंखा तंखा हम लोग निकाले तो धान निकाले बाल बच्चा के खाने के लिए वो सामारे कि मुर्गा मुर्गी सामारे कि भैंस गाय सामारे क्या सामारे हम हम लोग का दिमाग पूरा जनता का दिमाग घबरा गया पैसा वाले नहीं है पैसा वाले रहते तो दस को रुपया दे दिए रहते अधिक से अधिक तो हम लोग को राहत मिलता है आज हम लोग कमजोर वर्ग के हैं कमाने खाने वाले लोग हैं। हमारे पास नहीं है तो हमारे साथ करने आए नमस्कार तो आप देख रहे हैं खबर आर पार और अभी मैं मौजूद हूँ कौवा डंगर गाँव में जो की रक्सौल प्रखंड के अंतर पड़ता है और आप देख सकते हैं महिंदर महतो का घर जो पहले इंदिरा आवास दिया गया था सरकार के द्वारा बसाया गया था और उसी सरकार के द्वारा कल शाम को उजाड़ दिया गया आखिर क्यों उजाड़ दिया गया तो चलिए लोगों से यहाँ काफी लोग मौजूद हैं इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस गरीब का आशियाना क्यों तोड़ दिया गया आखिर कारण क्या है तो चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे टूट गया देखिए हम लोग तो अपने अपने काम धंधा में थे समझे लेकिन हम लोग देखे पुलिस प्रशासन तो पुलिस प्रशासन देखते हुए हम लोग घबरा गए की इतना पुलिस ज्यादा क्यों गाँव में आ गया तो देखे तो यहाँ आए स्कूल के बगल में तो यहाँ सीधे महेंद्र महतो के घर के तरफ पूरा पुलिस प्रशासन लोग और गाड़ी और सी ओ जो भी थे पर्दादीगन वो लोग सब लोग आ गए घर में आकर के जे सी पी मंगाए वो लोगों आकर के किसी से पूछे भी नहीं और जे सी पी ने पूरे ढाना चालू कर दिया तो सी ओ साहब से हम लोग पूरे गांव वाले मिल कर के कुछ हमारे गांव के समिति जो अभी हैं प्रेजेंट में वो भी आग्रह किए कि आप थोड़ा हमारा सामान निकाल ले दीजिए लेकिन वो सामान निकालने के भी रवदार नहीं हो रहे थे तो उसमें दस मिनट का समय दिए बताया जाए कि इतना सामान दस मिनट में कैसे निकाल लिया जाएगा तो नहीं निकालने के कारण हमारा कुछ सामान बर्बाद हो गया कुछ सामान ने हम लोगों ने निकल के यहाँ के लोग जवान मिलकर के निकाल के रख दिया और तोड़वा दिए और जो और उसके बीच में जो हमारा ठीका था घर उसको भी ढावा दिए गया अगल बगल में वो एक घर में लगा दिए जे से ढावाने लगे चलिए हम बात करना चाहेंगे अच्छे बताइए क्या आप लोग कोर्ट के सहारे लेंगे कही जाइए कोर्ट हम लोग तो अपने आय के सहारे न लगे हम लोग कमजोर वर्ग के लोग हैं हम लोग मतलब पैसा वाले नहीं है पैसा वाले रहते तो दस को रुपया दे दिए रहते अधिक से अधिक तो हम लोग को राहत मिलता है आज हम लोग कमजोर वर्ग के हैं कमाने खाने वाले लोग हैं हमारे पास नहीं है तो अपन हमारे साथ करने आए हुआ अतिक्रमण की घर अगर सीधे तोड़ते सूचना देते लाल स्याही लगाते हम लोग को दो दिन चार दिन पहले अगर कोई आदेश देते हम उस आदेश को पालन नहीं करते तो हम दोषी हैं अगर आदेश को पालन करते हुए भी कोई दुराचारी व्यवहार हो कोई बलात्कारी व्यवहार हो रात में डकैती की तरह कोई सूचना बिना सूचना को आकर किसी के बेटी बहू भी घर जाल रुपया पैसा उस घर में है एक मिनट के लिए समय नहीं दीजिएगा आई का एक लगा करके अगर अतिक्रमण कर रहे हैं तो मैं किसको दोषी करूंगा सरकार को दोषी दूंगा कोर्ट को दोषी दूंगा और सी साहब को दोषी बनाऊंगा हम लोग हम सर चले गए थे रक्सौल काम करने के लिए काम कर कर आए तो देखे जे छः बजे खानी मार गांव में हलचल मचा हुआ है लोग बोला जो हाँ पूरा गांव में हलचल में महेंद्र मोहो का घर टूट रहा है तो करमन वाला जो लगा है तो उन्होंने भाई नहीं बात गलत है आए देखे तो मात्र पूरा प्रशासन कम से कम पाँच सौ पुलिस प्रशासन सब लोग भरा हुआ था देखे तो ढाक 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 टूट रहा था लेकिन उस समय भी आमदी का एक समय नहीं मिला जब पलंग चौकी टेबुल कुर्सी पंखा तंखा हम लोग निकाले जो जो धा, धान निकाले बाल बच्चा के खाने के लिए उस सामारे कि मुर्गा मुर्गी सामारे की भैंस हमारे क्या हमारे हम लोग का दिमाग जा, पूरा जनता का दिमाग घबरा गया घबराने के बाद में सब लोग का का कोई का दिमाग नहीं काम कर रहा था अब बताइए और बात होता है का मानते हैं और कर्मन में घर पड़ गया है तो उस पर कहीं भी चाट लगता है चाहे रोड का भी सैनिक रोड बहर रहा है तो रक्सौल में भी चांट लाल सियाई से मारा जाता है यहां तक तुम लोग तोड़ लो नहीं तोड़ेगा तो इसमें जीसी पी लगा के उल्टा दिया जाएगा चाहे तोड़ दिया जाएगा लेकिन फिर भी वो क्या किया जो हम लोग आके देखे कोई भी गांव के आला है देखे जो उनके मकान पर न सियाई था ना कुछ भी था अब मकान को रात को छः बजे चार घंटा में उसको ध्वजिया उड़ा दिया गया रात में बुझा रहा था ढाक ढाक डी सी पी होता है तो रात में नहीं ना होती है रात में कोई चोरी डकैती करने गए हैं सीओ साहब का जब पावर मिला दाया है कोर्ट का न्याय है सब चीज है तो रह गया कि वो दिन को आते रात को आकर एकाएक जो कारोबार किए हैं या जनता की देखने और सुनने में अच्छी नहीं है हम ना जानते रहने से घर जीवन जानते रहो बैठ के देखते रहने से चर चर गो पाँच पाँच गो पतु कहाँ रह गए सब घर ढो गए रह के शरण नहीं, नहीं। खे तो बोला रवरे घर टूटल

ये लोग कहाँ जाएगा लोग कहाँ रहेगा लोग कहीं ना कहीं तो भाई अब टेंशन बन गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बोलते हैं उसके बाद बेहोश हो जाते हैं देख सकते हैं सारा सामान तो निकाल ले, कुछ सामान तो निकाल ली गई है लेकिन इन लोगों का कहना है और कुछ सामान हम लोगों का उसी में दब गया है आखिर हम लोग कहाँ से लाएंगे पैसा कहाँ घर बनाएंगे और दूसरा घर जमीन घरारी वाली बाकी ना घरारी नहीं है दूसरा घरारी नहीं है कैसे होगा दूसरा ना घर आ घरारी है ना दूसरा जगह घर है आ, कोई चीज नहीं है दूसरे जगह तो जो लोग क्या कर रहे हैं लोगों के लिए मान लीजिए सरकार तो निर्दयी है चाहे कोर्ट निर्दयी है और प्रशासन का काम है जो कोर्ट ऑर्डर देगा पालन करना है हम लोग वही तो दरवाजा ना खटखटाएंगे कि हम लोग का भूख प्यास और जो भी मिलने वाला होगा वो मिलेगा नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे तत्काल में इन लोगों को जगह चाहिए ना तत्काल में जगह चाहिए की दूसरे तीसरे के घर पर परिवार के साथ रहकर मिलजुल कर अपना गुजर सफर कर रहा है लोग इसके अलावा हम लोग के पास है क्या गरीब गांव है